कोरोना पाई दीर्घ 2 वर्ष परे तरभाठारे 2 दिन धरी फकीर बाबांको 40 तम उर्स पर्व धूमधाम रे पालित होई जायछि। तरभा हाटपदा स्थित सैयद अब्दुल सकुर शाह और फकीर बाबांको मस्जिद परिसर रे चलित वर्ष हजार हजार संख्या रे श्रद्धालुंको भीड़ देखिबा को मिलिथिला। मैं बहुत सालों से आ रहा हूं, तकरीबन 2015 से, और ये मेरा लगभग थर्ड टाइम हाजिरी है यहाँ पे। थर्ड टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत सालों से यहाँ पे आते थे। लास्ट ईयर उनका अनफॉर्चुनेटली कोरोना में डेथ हो गया, तो मेरे वालिद साहब तो तकरीबन 20 साल से यहाँ रेगुलरली आते थे, और मैं यहाँ तकरीबन तीसरी मरतबा आया हूँ। 2015 से आ रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं सूरत सिटी से आया हूँ, जो गुजरात में बिलोंग करता है, और मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है माशाल्लाह। और हमारी जो मोतीवाला फैमिली है, मैं मोतीवाला मेरी सरनेम में, और हमारे जो मोतीवाला फैमिली के मेंबर्स हैं वो बाबा अब्दुल शकूर बाबा से बहुत फेज़ हासिल किए हैं, और उनकी निस्बत से हमको सब कामयाबी मिली है। तो हमारे मोतीवाला फैमिली के जो लोग हैं वो काफ़ी इनको मानते भी हैं, और यहाँ से हमको बहुत फेज़ भी मिला है माशाल्लाह, और यहाँ पे आके हमको बहुत सुकून भी महसूस होता है। भीड़ को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जाई थिला। पुलिस प्रशासन शहर रे ट्रैफिक रो सुपरिचालन करथिबारु यातायात रे कोनोसी असुविधा परिलक्षित होई नथिला। तरभा मस्जिद मजार कमिटी पक्षर लोकंक समागम को दृष्टि रखी श्रद्धालु मानंक पई रहिबा खाइबा आदि समस्त व्यवस्था करा जाई थिला। एथर मध्य राज्य तथा राज्य बाहर हजार हजार श्रद्धालुंक समागम बाबांक दरबार रो शोभा बढ़ाउथिला। क्या कहना है, दो साल तो थोड़ा सा कमोबेश लोग आए है ना कोविड की वजह से, लेकिन आज हम 35 बरस से आ रहे हैं यहाँ पे, और वही जलवा, वही मोहब्बत, वही प्यार, लोगों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है, और सभी अपने मुरादे पा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस दर से भाई। इस बार का देखिए जलवा कैसा है। से हम तो समझते हैं कि हम 35 बरस से आ रहे हैं, और इतनी भीड़ आज तक मैंने नहीं देखा जारी का, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, सबों ने यहाँ हिस्सा लिया है, और बहुत ही काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि दो साल का मारा हुआ जो है इंसान सभी आए हैं। अभी उस वक्त बहुत कम लोग आए थे, आए जरूर थे, लेकिन कम लोग थे। इस बार जरूरत से ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं। ये करम है बाबा का, जो सबको इन्होंने बुलाया है, मोहब्बत से, प्यार से, और सभी आए हैं, और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हर काम में, हर चीज़ में। ये बहुत बड़ी बात है। बहु संख्या रे मानसिकधारी श्रद्धालु बाबांको दरबार रे चादर चढ़ाई थिली। सुवर्णपुर एसपी को निर्देश क्रमे एसडीपीओ पुष्पांजलि नेगी, तरबा आईआईसी सुब्रत कुमार पाणिग्राही, जजाति केशरी साहूंको समेत जिलार बहु पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शांति श्रृंखला बजाय रखिबारे निज निज दायित्व सुचारू रूपे संपादन करथिली। ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी ओडिया। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم। अल्लाह के फजल से मैं यहाँ इस बारगाह में इससे पहले दो बार हाजिर हुआ, लेकिन वो उर्स का मौका नहीं था। ये उर्स शरीफ में पहली मर्तबा हाजिरी हुई, और ये देख के एक बहुत बड़ा दिल में इत्मीनान पैदा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में जिस तरह मुसलमान के साथ साथ गैर मुसलमान भाई भी वहाँ हाजिरी देने आते हैं, इसी तरह ये भी वो बारगाह है जहाँ हम देखते हैं कि हर कोई बाबा से फैज़ लेने के लिए आते हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबक हमें देता है कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्गाने दीन थे ये आतंकवाद नहीं थे बल्कि पीस प्रोमोटर्स थे। यही वजह है कि इनकी बारगाह में आशीर्वाद लेने के लिए हर मज़हब का लोग यहाँ आते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह में भी वो फैज़ पाया कि जहाँ से इस्लाम का पैगाम लोगों के दरमियान एक पीस प्रमोशन के ज़रिए दिया जाता है। और बाबा सैयदना अब्दुल शकूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो ख़ास बात ये थी कि उनकी बारगाह में कोई भी किसी भी परेशानी को लेकर आता था वो उन पर तवज्जो फरमाते थे। यहाँ तक कि आप ही के इस इलाके के कुर्को जवार में मल्होत्रा फैमिली के एक साहब के यहाँ एक बच्चे का जब इंतकाल हुआ था, बाबा की बारगाह में दौड़कर हाजिर हुए, और बाबा ने उन पर नजर करम डाली और अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शी। तो इस तरह बाबा हुजूर के करम हैं, तमाम लोगों पर रहम फरमाते हैं, और यही हमें इस्लाम भी सिखाता है कि इंसानियत का ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बाबा के फैज़ से हम सबको फैज़याब करे। आमीन।